आज के वीडियो में हम काइन मास्टर के वॉल्यूम एनवेलप फंक्शन के बारे में जानेंगे। मैं अपने होम टाउन से दूर हूं, अपने स्टूडियो से दूर हूं, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूं। अभी कुछ दिन तक ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज मेरे वीडियो पर पहले सा प्यार बनाए रखिएगा। ये आवाज सुनकर बताइए आपको कैसा लग रहा है, ईयरफोन लगा लें तो बेहतर होगा। कहीं कहीं पर आवाज एकदम बढ़ रही है या कहीं कहीं पर एकदम घट रही है। आपने अक्सर फिल्मों में या टीवी सीरियल में ऐसा देखा होगा, कहीं पर वॉल्यूम एकदम बढ़ता है या कहीं पर घटता है। फिल्मों या सीरियल को ज्यादा सिनेमेटिक टच देने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। ये सब वॉल्यूम एंड वेलप के कारण होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं ये फंक्शन कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले हम हमारी वीडियो फाइल्स को ऐड कर लेते हैं। ये है हमारी फाइल्स, ये है हमारा साउंड ट्रैक। देखिए, ये है हमारा साउंड ट्रैक। अभी मैं आपको इसका वॉल्यूम सुनवा देता हूं। अब हम इसको इस पॉइंट से बढ़ाना चालू करेंगे और उसके बाद घटाएंगे, ठीक है? तो फाइल को सिलेक्ट करिए, वॉल्यूम एनवेलप पे जाइए, प्लस को दबाइए। यहां से लेके यहां तक मैं चाहता हूं कि इसका साउंड बढ़े, तो फिर से प्लस को दबा दीजिए और इसके आगे मैं एक और प्लस लगा देता हूं, ठीक है? ये वाला जो प्लस है, यहां पर साउंड बढ़ेगा। ये देखिए, ये यहां पर बढ़ेगा और इस वाले पॉइंट के बाद यहां पर एक और प्लस लगाता हूं और यहां पर फिर एक और प्लस। प्रीवियस पॉइंट पर आने के लिए इसको दबाया जा सकता है, आगे जाने के लिए इसको दबाया जा सकता है, ठीक है? प्रीवियस पे आता हूं और यहां पर घटाता हूं, ठीक है? अब हम इसे सुनते हैं। देखा आपने कैसे पहले साउंड इंक्रीज हुआ और उसके बाद डिक्रीज हुआ। सिलेक्ट करता हूं इसे, वॉल्यूम एनवेलप। देखिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वॉल्यूम बढ़ा था, उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक घटा था। इस तरीके से आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, मल्टीपल जगह कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? काइन मास्टर पे एडिटिंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे टच करिएगा, राइट वाली पे टच करके सब्सक्राइब करिएगा।